दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं दोस्तों अगर आप पढ़ चुके हैं तैयारी हो चुकी है तो आप जो है इसमें क्वेश्चन को देखिए और टेस्ट एग्ज़ाम के तौर पर जो है आप वीडियो को देख सकते हैं कि आपसे कितना प्रश्न हल होता है जो दो में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सभी प्रश्न को देखेगा अगर आप जानते हैं तो जवाब दीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो आप पढ़ते जाइएगा ठीक है तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर एक स्क्रीन पर क्या है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है टाइप कीजिए क्या कहता है राइट आंसर तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों चार ऑप्शन में तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी कन्नौज का हर्षवर्धन कहाँ का शासक था तो कन्नौज का अब दूसरा नंबर प्रश्न है मौर्य वंश का पतन कब हुआ था तो मौर्य का जो पतन हुआ था दोस्तों कब हुआ था तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो राइट आंसर शी नंबर हो जाएगा ठीक है एक ईसा पूर्व में ठीक है अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं तीसरा नंबर कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था ऑप्शन चार है अठहत्तर तो चार ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा तीन नंबर का ए नंबर अठहत्तर ईसा पूर्व में अब अगला प्रश्न अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा ऑप्शन में है चार ऑप्शन को देखकर सही जवाब श्री यानी जेम्स प्रिंसेप अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर तो पांच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आई हुई है क्या करेंगे उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है उत्तर वैदिक काल की अवधि जो थी दोस्तों क्या थी तो देखिए फटाफट और जवाब दीजिए डी दी हो जाएगा हज़ार से छ हजार ईसा पूर्व अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर छ अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं रात में तो दोस्तों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए अब क्वेश्चन नंबर छ को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों छे नंबर का तो सी नंबर यानी महावीर स्वामी अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर सात मोहन जोधरों की खोज कब हुई थी तो मोहन जोधर की आरंभ जो यानी खोज जो आरंभ हुई थी कब हुई थी तो राइट आंसर सात नंबर का बी नंबर हो जाएगा उन्नीस में अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों तो अगला प्रश्न की ओर यहां पर आ चुकी है क्या कह रहा है मल्टीनर वहीलर के अनुसार हरप्पा सभ्यता का काल क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आठ नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी पच्चीस सौ ईसा पूर्व से पंद्रह सौ ईसा पूर्व अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है कि महायान का संबंध किस धर्म से है तो महायान का धर्म किस संबंध धर्म से है तो इसका राइट आंसर जो जाएगा नौ नंबर का बी नंबर यानी बौद्ध धर्म से अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों आप लोग फटाफट जो है जवाब दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत छोटा बढ़ने वाला है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दस नंबर का डी नंबर यानी तीन सौ तेईस ईसा पूर्व में अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर तो ग्यारह नंबर क्या कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी थी इसका सही जवाब यानी सी हो जाएगा यानी अठारह अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर बारह तो बारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों करेंगे जय संहिता किस धर्म यानी जय संहिता किस ग्रंथों को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो तो जाएगा सी नंबर राइट आंसर यानी अर्थशास्त्र को बारह नंबर का सॉरी बारह नंबर का बी नंबर होगा ठीक है महाभारत को जो है कहा गया है जय संहिता ठीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं तेरह नंबर क्या करे कि धम्म किसने आरंभ किया तो तेरह नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो सी नंबर यानी अशोक ने किया अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर चौदह निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था तो तोपची कौन यात्री था तो इसका राइट आंसर कौन सा चौदह नंबर का बी नंबर यानी मनुची राइट आंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर पंद्रह तो स्क्रीन पर पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि फ्रांसीसी बैनियर किसके काल में भारत आया था चलिए अगर जानते हैं तो फटाफट जवाब दीजिए तो आंसर को यहाँ पर देख लेते हैं तो राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यानी पंद्रह नंबर का डी नंबर औरंगजेब अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह यहां पर क्या करें भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाला संत निम्नलिखित में से कौन था तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सोलह नंबर का बी नंबर ने रामानंद अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर सत्रह अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है तो अलवार संतों की संख्या कितनी है तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा जो सत्रह नंबर का तो डी नंबर यानी तिरसठ संत थी अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अठारह तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या करेंगे रामानंद के गुरु थे तो रामानंद के गुरु कौन थे तो इसका राइट right आंसर जो है आप लोग जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है अंत आप जो है कमेंट को मैं पिन कर दूंगा वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अब बढ़ते हैं यहाँ पर उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्राइकल अम्यार नामक महिला किसकी भक्ति थी तो दोस्तों इसका राइट right आंसर जो हो जाएगा यानी कृष्ण राइट आंसर डी नंबर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बीस तो बीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है ताली का युद्ध कब हुआ था तो तालीकोट का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था तो इसका राइट आंसर बीस नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी पंद्रह ईस्वी में हुआ था अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इक्कीस की ओर तो इक्कीस नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से था तो इक्कीस नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर यानी तुलुब वंश से अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बाईस की ओर तो क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो किस वर्ष अकबर ने विजय प्राप्त की थी तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बाईस का सी नंबर हो जाएगा यानी उन्नीस सॉरी पंद्रह अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर तेईस शाहजहाँ उच्च कोटि का गायक था यह कथन सत्य है असत्य है या फिर क्या है दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तेईस नंबर का ए नंबर यानी सत्य है अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर चौबीस से यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष दीने एलाही धर्म चलाया तो दोस्तों ये चौबीस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर यानी पंद्रह सौ इक्यासी ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पच्चीस स्क्रीन पर है क्या कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायन था अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए छब्बीस नंबर का तो छब्बीस नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी तानसेन अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के और क्वेश्चन नंबर छब्बीस तो छब्बीस नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि अकबर का संरक्षण बनकर किसने शासन किया तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो ए नंबर ने बैरम खान ने किया था अब बढ़ते हैं अगले तो प्रश्न तो की और क्वेश्चन नंबर सताइस यहां पर क्या कह रहा है कह कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था इसका राइट आंसर क्या हो जाए सताइस नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी सत्रह सौ अड़तीस से सत्रह तक अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तो अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट जवाब दे सकते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदारों के ये जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह था तो क्या था दोस्तों तो 28 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी राजा तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपका कितना जवाब सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस लॉर्ड डलहोजी का ने अवध का अधिकरण कब किया था तो इसका राइट आंसर उनतीस नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी अठारह सौ छप्पन ईस्व में अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर तीस यहाँ पर क्या कह रहा है कि अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था तो तीस नंबर का राइट आंसर क्या जो डी नंबर यानी चर्बी वाले करतूस था अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इकतीस ठीक है क्या कह रहा है कह रहा है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी तो इसका इकत्तीस नंबर का राइट आंसर क्या हो बी नंबर यानी रंगून में हुई थी अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आप लोग सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या कौन सा पूछेगा तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग को बस इस सीरीज में बने रहना है क्योंकि हम लोग जो है लगभग हर दिन वीडियो लाने लाने वाले हैं सभी वीडियो को आप एक एक करके जरूर देखिएगा तो बत्तीस नंबर प्रश्न क्या करें अठारह सौ सत्तावन की ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बत्तीस नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी सिराजुद्दौला की हुई थी अब यहां पर तैतीस नंबर प्रश्न को देख लेते हैं भारत में तार्किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी तैतीस नंबर का ए नंबर यानी लॉर्ड डलहोजी ने किया था अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौंतीस क्या कह रहा है कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब आरंभ हुआ तो इसका राइट आंसर चौंतीस नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी उन्नीस में हुआ था अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पैंतीस क्या कह रहा है कह रहा है कि डांडी किस राज्य में अवस्थित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यानी पैंतीस नंबर का यानी गुजरात में स्थित है अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर छत्तीस दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छत्तीस नंबर का छत्तीस नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी उन्नीस सौ इकतीस राइट आंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ पर आ चुके है दोस्तों क्या कह रहा है सैंतीस नंबर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था तो इकतीस नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर यानी उन्नीस सौ इकतीस अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला सब्जेक्ट किसका होना चाहिए किस पर वीडियो आना चाहिए चैनल पर अब यहाँ पर अड़तीस नंबर देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब परित्याग दिया तो इसका राइट आंसर क्या होगा अड़तीस नंबर का ए नंबर यानी उन्नीस सौ ईस्वी को अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ पर आ चुकी है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा उनचालीस नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी खान अब्दुल गफ्फार खान अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर चालीस नंबर प्रश्न दोस्तों आज हम लोग चालीस ही प्रश्न को कवर करेंगे ठीक है अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और दोस्तों आप लोग को करना क्या है कि आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत और जो नहीं जानते थे वो भी कमेंट करेंगे कि अगला कौन सा विषय का वीडियो आना चाहिए चैनल पर और लाइव क्लास पढ़ने के लिए आपका जो है डिस्क्रिप्शन मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ जाकर एक चैनल का लिंक मिलेगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है लाइव आ पाइएगा तो आज का वीडियो इतना है तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो